हेलो, आज हम लोग देख रहे हैं चेंज इन सप्लाई और वेरिएशन इन सप्लाई। चेंज और वेरिएशन, ये दोनों देखने से पहले हमें पता होना चाहिए वो कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इसका वीडियो हमने पहले ही डाल के रखा हुआ है, उसके लिंक चाहिए तो आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई है उसमें आते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और बाकी के सारे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी को अलग निकाल के रखा हुआ है और बाकी सारा जो गट्ठा है उसको हमने अलग निकाल के रखा हुआ है। अगर सप्लाई प्राइस के कारण चेंज होती है, प्राइस के कारण अगर सप्लाई बढ़ती या कम होती है तो उसे हम लोग अलग नाम से जानते हैं, और इन फैक्टर्स के कारण, इन डिटरमिनेंट्स के कारण अगर वो अफेक्ट करता है सप्लाई तो उसे हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई। अगर प्राइस के कारण करेगा तो उसे वेरिएशन इन सप्लाई कहा जाएगा, और अगर इन फैक्टर्स के कारण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई। देखते हैं चेंज इन सप्लाई कैसे ग्राफ बनता है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। हम लोग ओवर एक्सिस पे प्राइस को डिनोट करते हैं और ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई रहती है। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखी गई है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया है, पी का पी पे ही पड़ा हुआ है। अगर पी प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड, जो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है वो है, यहाँ पे अगर हम लाइन खींच लेते तो इतना हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है, वही प्राइस उतना ही होते हुए अगर सप्लाई बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ये कैसे कहेंगे, जब ओरिजिन से वो दूर जाता है उसे कहा जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज का मतलब द ओरिजिनल सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ये क्यों शिफ्ट कर रहा है राइट हैंड साइड की ओर, बिकॉज ऑफ द फेवरेबल चेंजेस इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। हमने ऊपर देखा था कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स है, उसमें से प्राइस को जो है वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट की ओर खिसक जाएगा। वही अगर हम हमारा दूसरा कर्व देखते हैं, उसमें भी ओवाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस को डिनोट करते हैं और ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। ओरिजिनल सप्लाई जो था वो पी पे इतना था, लेकिन उसी प्राइस पे ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स, अदर डिटरमिनेंट्स, सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसे कहा जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। यहाँ पे सप्लाई जो है वो कम हो गई है। अगर देखिए आप पी और एस जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो वो ओ के करीब आ जाती है, मतलब अगर ये 30 थी तो अभी ये 20 या 25 पे, 20 पे आ जाती है, ऐसे हम कह लेते, इससे कम हो गई, इसे कहा जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे न्यू कर्व्स बन रहे हैं। देखो पहले ये एस का था, अभी वो S1 करके अंदर की ओर जो बन गया, पर ये नया कर्व बन रहा है। वैसे ही ये जो ओरिजिनल एस कर्व था उस सप्लाई कर्व, उसका ये नया कर्व जो है वो टुवर्ड्स द राइट बन गया, इसे हम इंक्रीज कहते हैं। अगर वो शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा तो उसे हम डिक्रीज कहेंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और ये शिफ्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अदर डिटरमिनेंट्स। अभी हम हमारी दूसरी कंसेप्ट के पास जा रहे हैं, उसको है वेरिएशन इन सप्लाई। अब वेरिएशन इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, वापस आपको आपके डिटरमिनेंट्स के पास ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइस जो है वो बदल रही है और बाकी के जो फैक्टर्स है, अदर डिटरमिनेंट्स जो है वो कांस्टेंट रखे गए। देखो पहले अगर प्राइस पी था, ओपी था, तो क्वांटिटी सप्लाई जो था वो ओ क्यू था, लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्यू वन तक पहुंच गया। इसका मतलब जो पहले हमारा सप्लाई था वो अभी बढ़ गया है, इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़त, पर ये बढ़त क्यों हो रही है सप्लाई में, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, बाकी के फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे भी कांस्टेंट रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज देखने लायक जो है वो है कि सप्लाई कर्व जो है वो कोई भी नया सप्लाई कर्व यहाँ पे नहीं बन रहा है, मूवमेंट जो है वो उसी कर्व पे हो रही है। नो न्यू कर्व इज फॉर्म, द मूवमेंट इज अलोंग द कर्व। अभी कौन सी मूवमेंट है, तो ये हो गई अपवर्ड मूवमेंट।
ऊपर की ओर खिसक रहा है सप्लाई कर्व, उसे कहा जाता है एक्सपेंशन। याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण हो रहा है, और बाकी के जो डिटरमिनेंट्स हैं हमारे वो यहाँ पे भी कांस्टेंट रखे गए हैं। अभी अगला जो देख रहे हैं वो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एक्सपेंशन देखा था वैसे यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड क्यू पे था, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गई, प्राइस कम कब होती है, जब वो ओरिजिन की ओर खिसकती है, तो प्राइस पी से पी वन की ओर गिर गई, तो हमने क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्यू से क्यू वन की ओर खिसका दिया। ये जो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गई। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो प्राइस करेगा वैसी ही सप्लाई होगी। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटेगी। यहाँ पे अभी क्या हो गया, जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है हमारा वो वैसे का वैसे ही रह गया, नया सप्लाई कर्व नहीं बना है, लेकिन जो मूवमेंट है वो कैसे हो गई है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई है अलोंग द सप्लाई कर्व, एंड नो न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो आपको एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये चारों कंसेप्ट्स क्लियर हो गई है। याद रखिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्राइस के कारण होता है, अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। सेकेंड है कि इसमें कोई भी नया ग्राफ, नया कर्व नहीं बनता है। तो ये हो जाएगी द चेंज, और यू कैन से द शिफ्ट इज ड्यू टू प्राइस, प्राइस के कारण शिफ्ट हो रहा है। नंबर टू, नो न्यू कर्व इज फॉर्म्ड। और नंबर थ्री पे हम लोग लिखेंगे मूवमेंट इज ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, एंड मूवमेंट इज अलोंग द कर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे वेरिएशन इन सप्लाई के। ओके, वेरिएशन इन सप्लाई में हमने क्या बोला है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से हो रहा है, अदर फैक्टर्स जो है वो क्या हो गए हैं, कॉन्स्टेंट है, अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के। उसी तरीके से हमने देखा था चेंज इन सप्लाई, दोनों चीजें कंसेप्ट क्लियर कर दी है। होप आपको ये समझ में आया होगा।